हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन अली। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस और देखेंगे प्राइस शॉर्ट टर्म में कहां तक जाने के चांसेस हैं और मार्केट की मोमेंटम, हमें जो मार्केट में मोमेंटम है वो किस सिमत में बढ़ रहा है, क्या प्राइस ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्या नीचे जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, और डीप एनालिसिस करेंगे ताकि हमें पूरी ग्रिप हो कि इन 3-4 दिन के अंदर अंदर मार्केट में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और बहुत सी न्यू चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको क्रिप्टो करेंसी पर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे इन हो जाएंगे, वहाँ पे आपको मार्केट की इंस्टेंट अपडेट भी दी जाती है और फ्री में बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स भी दिए जाते हैं। अभी मैं चार्ट पे हूँ, वो है बिटकॉइन यूएसडीटी डॉलर का चार्ट, 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, बाइनेंस का चार्ट है। अगर इसके मैं सिर्फ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की इनिशियल लेवल पर बात करूँ तो अभी प्राइस है 6,510 डॉलर्स, और ऊपर का जो लेवल है जो कि तोड़ नहीं पा रहा है, जिसको तोड़ना ज़रूरी है मार्केट को, वो है 6,627 डॉलर्स का। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइस थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक सकती है, 1-8 दिन के लिए, ठीक है, क्योंकि ये 4 घंटे का कैंड 4 आवर का ये टाइम फ्रेम है, तो 1 घंटा जो एक कैंडल है वो 4 घंटे की बन रही है, तो यहाँ पे प्राइस आके थोड़ी सी रुक सकती है, जो कि ये लेवल बनता है 6,897, मीन के अगर हम मोटा मोटा हिसाब लगाएं 6,900 डॉलर्स पर मार्केट यहाँ पे जाके थोड़ी सा रिसिस्ट ले सकती है जिस, लेकिन यहाँ से अगर ये मार्केट ऊपर जाती है तो इसका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 7,290 डॉलर्स का। लेकिन उसके लिए हमें वॉल्यूम चाहिए होगा मार्केट में, वॉल्यूम अभी इतना ज़्यादा नहीं है, वी नीड मोर वैल्यू वॉल्यूम, वी नीड मोर इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन अ मार्केट। अगर हम ये जो करंट सिचुएशन चल रही है मार्केट के, इसमें अगर हम डीप एनालिसिस करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक चार्ट पैटर्न ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है, जो कि मैं आपको फॉर्म करके दिखा देता हूँ। ये देखिएगा यहाँ से, ठीक है, और सेकंड अगर मैं ट्रेंड लाइन लेता हूं तो यहां पे ये देखिएगा, यहां से ये देखिएगा, यहां से अगर मैं लेता हूं तो मार्केट अभी इस स्क्वीज सिचुएशन में चल रही है, ये देखिएगा, ठीक है। ट्रायंगल्स जो बनते हैं ना, ये देखिए, ये एक ट्रायंगल टाइप है। अगर जब ट्रायंगल्स बनती है ना तो मार्केट क्या होती है, यहाँ पे टकराती है, रेसिस्ट लेती है, यहाँ पे सपोर्ट लेती है, फिर रेसिस्ट लेती है, सपोर्ट लेती है, और ये स्क्वीज हो जाती है यहाँ पे प्राइस। जब स्क्वीज होती है ना तो इसका मतलब इंटरप्रिटेशन ये होता है, जब भी स्क्वीज प्राइस स्क्वीज का वर्ड यूज़ किया जाए ना तो उसका मतलब ये होता है कि अभी जो कैंडल्स हैं वो एक टाइट इस रेंज में है, किसी भी पैटर्न के इस रेंज में है, तो यहाँ से प्राइस जो होती है वो एक स्प्रिंग की तरह काम करती है। स्प्रिंग को अगर आप दबा लेते हो ना, अगर आप उसका ऊपर वाली जो फिंगर को हटाएंगे तो स्प्रिंग ऊपर की तरफ उछलता है, ठीक है, नीचे को छाएंगे उछालेंगे नीचे वाली फिंगर को रिमूव करेंगे तो स्प्रिंग नीचे जाएगा, तो यहां पे एक स्प्रिंग वाली सिचुएशन होती है। अगर तो प्राइस अब इस लेवल को ब्रेक कर देती है, ये वाला जो लेवल है, तो ये कंफर्मेशन पॉइंट है 6,635 का, ठीक है। अगर इससे प्राइस ऊपर जाती है तो हम ऊपर वाले लेवल को वक्ती तौर पे हम देख सकते हैं 6,800 से 6,700 के राउंड अबाउट प्राइस को रफली हम देख सकते हैं। यहाँ पे प्राइस 1-2 दिन के लिए रुक सकती है, मोर वॉल्यूम आया तो हम प्राइस को कह सकते हैं कि इसका जो टारगेट होना चाहिए वो 7,290 डॉलर्स का होना चाहिए, लेकिन बशर्ते के मार्केट में वॉल्यूम है। अगर इस लेवल पे मार्केट आती है तो मैं आपको अगेन अपडेट कर दूंगा, एक न्यू वीडियो बना दूंगा कि क्या सीन चल रहा है मार्केट में, क्या इसके दोबारा सीन यहाँ पे बंप होकर नीचे आने के चांसेस है कि ऊपर की तरफ चांसेस हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो मार्केट को ऊपर मोमेंटम में हम देख सकते हैं, थोड़ी देर के लिए हम कह सकते हैं कि मार्केट 6,700 से 6,800 डॉलर्स पर मार्केट को थोड़ा सा रेसिस्ट करना चाहिए, ठीक है। अभी देखिएगा कि जो मार्केट है वो अगर यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकआउट होती है, ब्रेक डाउन होता है इसका नीचे की तरफ, तो क्या सीन है, ये तो हमने देख लिया ऊपर की तरफ। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, ठीक है,
तो हम कह सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे स्पोर्ट लेगा जो कि बनता है 6,200 डॉलर्स का। यहाँ पे मार्केट स्पोर्ट ले सकता है। अगर इसको भी तोड़ दिया, जैसे ये वाली कैंडल्स नीचे बन के नीचे आई थी, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट को हम अगेन, जैसे 3 4 दिन पहले हमने देखा था, 5,986 डॉलर्स के राउंड अबाउट, तो मार्केट यहाँ पे जा सकती है। 5,900 के राउंड अबाउट मार्केट को हम देख सकते हैं। अभी अभी ये है कि मार्केट में जो वॉल्यूम है ना, इस पे नजर रखिएगा। अगर मार्केट में वॉल्यूम आया तो आप ऊपर वाले लेवल को देख लीजिएगा, ऊपर वाले लेवल्स को। अगर मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में जाती है, यहाँ पे अगर आप 200 बिलियन देखते हो या आप 205 देखते हो, तो मार्केट के नीचे वाले लेवल आप देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह आप अगर देखेंगे तो आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग भी होगी, ठीक है, और आपको थोड़ा सा पता भी चलेगा कि मार्केट में अभी क्या मोमेंटम हो रहा है। इसके अलावा मैं एक टूल है वो यूज़ करता हूँ, उससे भी हमें प्राइस को थोड़ा सा और ज़्यादा डीप देखने में हमें मदद मिल सकती है। जिगजैग को अगर मैं करता हूँ, इसकी इंटरप्रिटेशन तो फिर कभी मैं बताऊंगा। ये देखिएगा, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे रेसिस्ट किया, एग्जैक्ट इसी प्राइस पे सपोर्ट लिया, फिर इसको सपोर्ट किया, ठीक है, रेसिस्ट किया और यहाँ पे सपोर्ट लिया। मार्केट मीन के अभी साइडवेज में दिखा रहा है ये। ये देखें, मार्केट अभी साइडवेज में चल रहा है। ये तो देखें, अभी अप ट्रेंड हो गया, फिर अप ट्रेंड, फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जाके मार्केट अभी साइडवेज में चल रही है। तो इंडिकेशन ये है कि यहाँ पे मार्केट जब भी ये आएगी तो स्प्रिंग की तरह या ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। नीचे जाएगी तो कितना जा सकती है ये भी मैंने आपको बता दिया, ऊपर जाएगी तो उसका टारगेट क्या होना चाहिए ये भी मैंने आपको दिखा दिया है। आरएसई का तो आप लोगों को सबको पता ही होगा, आरएसई फिलहाल एक न्यूट्रल जोन में, ये देखिएगा मैं आपको दिखा देता हूँ, आरएसई अभी न्यूट्रल जोन में अभी है 55, ठीक है। अगर आरएसआई प्राइस ऊपर जाती है और आप बीटीसी यूएसडी डॉलर में अगर प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हैं, और अगर ये ओवरबॉट कंडीशन में आती है तो आप इसको फौरी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऊपर के लिए देख रहे हैं लेवल्स, तो ऑब्वियसली आपका जो फंड है वो बिटकॉइन में होना चाहिए। मार्केट ऊपर जाएगी तो आप जैसे ओवरबॉट होता है आप वहां पे यूएसडी डॉलर में लेके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये भी न्यूट्रल जोन में है, न्यूट्रल जोन में होना बनता भी है आरएसए का। अगर आप ये देखते हैं क्यों बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आरएसए सिर्फ ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के लिए नहीं होती। ये देखिए, यहाँ पे भी मार्केट साइडवेज में दिखा रहा है। साइडवेज में मार्केट ज्यादा खतरनाक होती है, डेंजरस होती है, क्योंकि पता नहीं होता मार्केट ने इसको नीचे से लेवल को ब्रेक करना है कि ऊपर वाले लेवल को ब्रेक करना है। अभी हमें वेट करना है। क्यों मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे कह रहा हूँ कि कोई अभी ट्रेड ओपन ना करें, क्योंकि मार्केट स्क्वीज हो रही है, पता नहीं है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगी। ऊपर जाएगी तो ऑब्वियसली ओल्ड कॉइन में भी हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट में न्यू पैसा आएगा। नीचे को हो गया तो सारा कुछ अगेन से फिर क्रैश हो जाएगा, और सैटरडे संडे भी है, ऑब्वियसली यहाँ पे भी आके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मोस्टली इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट नहीं होते हैं सैटरडेज एंड संडेज को, और यहाँ पे मार्केट साइडवेज में चल रही है। इसके अलावा अगर मैं एक और इंडिकेटर यूज़ करता हूँ जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट होता है, ईएमए में अगर यूज़ करता हूँ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या हो सकती है वो भी मैं देख लेता हूँ। इसकी इंटरप्रिटेशन अगर इसकी एग्जिस्टिंग सेटिंग पे ही देखी जाए, ये देखिएगा, ये भी यहाँ पे अभी एक सपोर्ट लाइन पे है, ये वाली लाइन। अगर इसको मैं थोड़ा सा अगर इसको मॉडिफाई करता हूँ इस लाइन्स को, तो वो आपको क्लियर नज़र आ जाएगी। आई विल ट्राई, ये देखिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिएगा इसको। चले मैं अपनी फेवरेट सेटिंग जो 14 है उस पे ही रहने देता हूँ। स्टाइल अगर इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लेके जाता हूँ, ये देखिएगा अभी आपको क्लियर नज़र आ चुकी होगी। ये देखिएगा, अगर ये मार्केट इस सपोर्ट लेवल पे, इस लाइन के, ये भी एक सपोर्ट लेवल है ना, यहाँ पे कैंडल्स अभी ऊपर हैं। जब तक ये ऊपर हैं तो हम ऊपर वाले लेवल्स देखेंगे। पहले आपको लास्ट वीडियो में भी ये मैंने टिप दी थी, अगर ये इससे कि ये देखें, इसके बगैर ही मैंने आपको बताया कि फिर ये ऐसे वर्क करेगी और प्राइस को नीचे लेके जाएगी। होपफुली गाइज आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको लगता है कि 1% भी आपको नॉलेज मिले तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। ओल्ड कॉइन में हमें मोमेंटम ऊपर को देखने को मिल सकता है अगर मार्केट कैप ऊपर को जाता है तो। ओके गाइज, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच।